84 लाख योनियां भोगी, तब जाके मनुष्य योनि मिली। और उस मनुष्य योनि में आके किया क्या, सुबह उठे, नहाए धोए, खाए पिए, गए ड्यूटी पे, अधिकतर काम किया, शाम को आए, खाए पिया, टीवी देखा, सोए, सो गए, यही काम किया। तो इसीलिए इंसान का शरीर मिला था, अखबार लगा ली, अखबार देखने बैठ गए, टीवी देखने बैठ गए, बच्चों को स्कूल में डालते हो तो प्लानिंग करते हो उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन से स्कूल में डालना है, क्यों आगे जाके जिस सब्जेक्ट को लेगा बच्चा उसके अकॉर्डिंग वैसी जॉब मिलेगी बच्चे को, बचपन से प्लानिंग होती है ना जॉब लेने की, वैसी मरने की प्लानिंग क्या आपके पास। लोग कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग कुत्ता जानता है कैसे जीवन जीना है, कैसे खाना है, कभी कुत्ते ने ट्यूशन ली जाके खाने पीने की, बच्चे पैदा करने की, सोने की, कुत्ते ने ट्यूशन नहीं ली, गधे सुअर ने नहीं ली, इंसान ले रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग हमारा जीवन का मकसद नहीं है, वो सब जानते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग मरने की कला गीता ये सिखाती है। गीता कहती अंत काले च मामे व स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में कैसी चेतना जीव की होनी चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा साल भर जो मर्जी करे, एंड में जब एग्जाम में बैठेगा आंसर शीट सामने होगी, हाँ जी वो रिजल्ट बताएगी। वैसे ही हम जीवन पर्यंत क्या करते हैं उसका रिजल्ट अंत में आता है। अंत काल नारायण स्मृति, अंत में नारायण याद आते हैं तो ठीक है, पर नहीं आते ना, अंत में हाय हाय हाय, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बहू, मेरे बच्चे, यही याद आते हैं इंसान को, भगवान का नाम नहीं याद आता। और ले भी नहीं सकता इंसान नाम भगवान का, जिसने जीवन पर्यंत नहीं लिया मरते टाइम कहां से लेगा। इसलिए इंसान को अभ्यास करना चाहिए भगवान का नाम लेने का, भगवान का कीर्तन करने का, ये अभ्यास। तो आर्ट ऑफ लिविंग हमारा काम नहीं है, कुत्ते जानते, गधे सुअर जानते हैं। जीवन की गति कैसे हो अंत की, उसकी प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है।